हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वेदी गुरुज में। आज वेदी गुरुज कक्षा 12वीं के लिए डिटरमिनेंट्स चैप्टर 4 चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे आज हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो लेट अस सी क्लास 12th डिटरमिनेंट्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे निकालना है। सपोज हमें एक ट्रायंगल गिवन है कोई ए बी सी और उसके तीन वर्टिसेस हैं, जैसे वर्टिसेस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं एक्स टू वाई टू और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं एक्स थ्री वाई थ्री। तो डिटरमिनेंट की हेल्प से अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए। हाफ डिटरमिनेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले जो वर्टिसेस हैं तीनों एक्स वन वाई वन पहले दो कॉलम में लिखने हैं, फिर दूसरा एक्स टू वाई टू और फिर तीसरा एक्स थ्री वाई थ्री। पहले दो कॉलम में ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री लिख लेने हैं और तीसरे कॉलम में आपने वन 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 लिखना है अपनी तरफ से। तो जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो उतने स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बन जाएगा बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। जब एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट, हमें ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस ए बी और सी इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो जैसे मैं इसको लिख लेता हूं एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू मान लेते हैं और ये एक्स थ्री वाई थ्री। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था देखिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री। पहले दो कॉलम्स में आपने तीनों वर्टिसेस लिख लेने और थर्ड कॉलम में वन वन वन। अब देखिए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स वन वाई वन क्या है वन जीरो, एक्स टू वाई टू वो क्या है सिक्स जीरो और एक्स थ्री वाई थ्री क्या है फोर थ्री और यहां वन वन वन। ठीक है, ये आगे डिटरमिनेंट। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कैसे करते हैं देखिए वन बाय टू एक्सपेंड करो। देखिए मैं मान लीजिए मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे और जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री माइनस थ्री फिर माइनस जीरो इंटू, तो जीरो के साथ कुछ भी लिखे जीरो ही होता है तो वो हम लिख नहीं रहे हैं वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। और अब बात करेंगे यहां तीसरे एलिमेंट की, तो देखिए इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम फिर से छोड़ देंगे तो क्या बचेगा प्लस वन इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे सिक्स मल्टीप्लाई थ्री एटीन माइनस फोर मल्टीप्लाई जीरो जीरो, तो क्या आया वन बाय टू, यहां से आएगा माइनस थ्री ये जीरो और यहां से आएगा प्लस एटीन, तो एटीन माइनस थ्री फिफ्टीन और अपॉन में टू था तो फिफ्टीन स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट कर रहे हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस ए के एक्स वन वाई वन, बी के एक्स टू वाई टू और सी के एक्स थ्री वाई थ्री। निकालना क्या चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फॉर्मूला हमने लिख लिया, देखिए वैल्यूज पुट करनी है बस। x1 y1 क्या कोऑर्डिनेट्स थे 2 7, x2 y2 1 1 और x3 y3 के प्लेस पे 10 8। तीसरा कॉलम बिल्कुल सेम रखेंगे 1 1 1 और इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड देखिए कैसे करना आपने, मैं आपको बता रहा हूं 1 by 2 फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ दिया हमने तो नॉन जीरो एलिमेंट क्या है टू, वो तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा इन टू में, जो टू बाय टू बच गया उसको एक्सपेंड करना है। तो वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, वन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे एट। ठीक है, पहला साइन पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, याद रखनी है बात। अब माइनस साइन लगाएंगे तो दूसरे एलिमेंट पर बात आ गई है सेवन इन टू। अब क्या करना है वही काम पहले की तरह, इसको रब कर देते हैं, इसके सामने वाली रो सॉरी कॉलम और इसके सामने वाली रो ये छोड़ देंगे और जो नॉन जीरो एलिमेंट है सेवन ये बाहर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, हमने लिख लिया पहले।
माइनस सेवन देखिए फिर से लिख लेते हैं, ये हो गया सेवन ठीक है। अब हमने इसके सामने वाली रो इसके सामने वाला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा वन मल्टीप्लाई वन वन माइनस अपनी तरफ से टेन मल्टीप्लाई वन टेन और फिर प्लस तीसरे एलिमेंट की बात आएगी वो क्या था वन वन बाहर लिख लिया हमने ब्रैकेट में इनटू। अब क्या करना है अगेन इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे तो ये टू बाय टू बचेगा, इसको एक्सपेंड करना है वन मल्टीप्लाई एट एट माइनस अपनी तरफ से टेन मल्टीप्लाई वन टेन ठीक है। इसको सॉल्व करना है वन बाय टू देखिए टू इंटू वन माइनस एट कितना बचा माइनस सेवन, ये माइनस सेवन पहले से था वन माइनस टेन माइनस नाइन प्लस वन पहले से था एट माइनस टेन माइनस टू, इनको फिर से मल्टीप्लाई करना देखिए टू मल्टीप्लाई माइनस सेवन माइनस फोर्टीन माइनस सेवन माइनस नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सिक्सटी थ्री और माइनस टू तो क्या बचेगा वन बाय टू सिक्सटी थ्री माइनस फोर्टीन माइनस टू माइनस सिक्सटीन हो जाएगा, क्या बचा वन बाय टू इंटू सिक्सटी थ्री माइनस सिक्सटीन कितना बचेगा फोर्टी सेवन, तो ये आ गया फोर्टी सेवन बाय टू स्क्वायर यूनिट्स। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, वर्टिसेस दिए हुए एबीसी कोऑर्डिनेट्स हमें ट्रायंगल के तीनों लिख लेते हैं। फर्स्ट ए के एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, ये एक्स टू वाई टू और पॉइंट सी के एक्स थ्री वाई थ्री, करना पहले की तरह सेम है मेथड वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, वैल्यूज पुट करनी है आपको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री की। देखिए कर रहे हैं वन बाय टू डिटर्मिनेंट एक्स वन वाई वन कितना है माइनस टू माइनस थ्री एक्स टू वाई टू थ्री टू और एक्स थ्री वाई थ्री माइनस वन माइनस एट, तीसरा कॉलम सेम रखना है वन 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 एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने से पहले देखिए बता रहा हूं आपको, जब भी आप एक्सपेंड करते हैं तो जैसे मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं तो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे इसका साइन पॉजिटिव, फिर दूसरा लेंगे इसका नेगेटिव और फिर तीसरा साइन लेंगे तीसरा टर्म लेंगे इसको पॉजिटिव। तो जब हम पहले लिखेंगे माइनस टू माइनस टू ब्रैकेट में लिख लिया बाहर नॉन जीरो एलिमेंट, इसके सामने वाली ये रो और इसके सामने वाला ये कॉलम छोड़ देना है, ये दो बचेंगे तो टू मल्टीप्लाई वन कितना आएगा टू माइनस अपनी तरफ से माइनस एट मल्टीप्लाई वन माइनस एट, फिर हमने यहां माइनस थ्री लगाना माइनस अपनी तरफ से इसका साइन नेगेटिव होता है क्योंकि और ये माइनस यानी माइनस माइनस थ्री लिख दिया मैंने। अब इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो फिर से छोड़नी है तो क्या क्या एलिमेंट्स बचेंगे आपके पास, ये हमने देखिए छोड़ दिया है तो ये थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री माइनस अपनी तरफ से ये माइनस वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन और अब ये आखिरी एलिमेंट प्लस वन फर्स्ट रो का इनटू में क्या करेंगे अब ये वाला कॉलम और ये फर्स्ट रो छोड़ देनी है हमने तो क्या क्या एलिमेंट बचे हमारे पास ये बचे हैं टू बाई टू डिटरमिनेंट, इसको एक्सपेंड करना है कैसे करते हैं वही फॉर्मूला पहले की तरह थ्री मल्टीप्लाई माइनस एट माइनस ट्वेंटी फोर ये माइनस अपनी तरफ से यहां लगा देंगे और माइनस वन मल्टीप्लाई टू माइनस टू ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं वन बाय टू इंटू ये माइनस टू आया ये टू और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो टू प्लस एट ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया थ्री थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन प्लस वन इंटू ये माइनस ट्वेंटी फोर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू ठीक है। तो क्या बना वन बाय टू माइनस टू इंटू एट प्लस टू कितना होता है टेन प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस वन फोर प्लस वन इंटू और माइनस ट्वेंटी फोर प्लस टू माइनस ट्वेंटी टू, एक स्टेप और लिख लेते हैं टेन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेंटी फोर थ्री जा ट्वेल्व और माइनस ट्वेंटी टू तो ये कितना आया देखिए वन बाय टू ये माइनस ट्वेंटी और ये माइनस ट्वेंटी टू यानी माइनस फोर्टी टू प्लस ट्वेल्व वन बाय टू इंटू माइनस थर्टी आ गए यहां तो ये आ गया वन बाय टू इंटू माइनस थर्टी, जब इसको सॉल्व करेंगे आप यानी थर्टी को टू से डिवाइड करना है तो फिफ्टीन आ जाएगा तो ये माइनस फिफ्टीन आ गया, लेकिन आपने माइनस फिफ्टीन नहीं लिखना है क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है तो आपने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है फिफ्टीन स्क्वायर यूनिट्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स, हमें तीन पॉइंट्स गिवन है कोई भी ए बी और सी या उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको लेट कर लेते हैं फिर से एक्स वन वाई वन, हमें प्रूव करना है कि जो तीनों पॉइंट्स हमें गिवन हैं ये एक्स टू वाई टू दे आर कोलिनियर ये एक्स थ्री वाई थ्री
तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपने इस तरह के 10th क्लास में ही पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, कि जब कोलिनियर प्रूव करना होता था तो हम प्रूव करते थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो जीरो आना चाहिए। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आ जाए तो कोलिनियर है, यस, और अगर ना आए तो नहीं है। तो हमें शो करना है कोलिनियर है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं कि क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आता है या नहीं। तो एक्स वन वाई वन की वैल्यू लिख रहे हैं, देखिए ए बी प्लस सी, एक्स टू वाई टू की वैल्यू लिख रहे हैं बी सी प्लस ए, और एक्स थ्री वाई थ्री की वैल्यू लिख रहे हैं सी ए प्लस बी, और तीसरा कॉलम हमें सेम रखना है वन वन वन। अब आपके पास दो मेथड है, देखिए तो इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंड करें, या जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में सीखा हुआ है प्रॉपर्टीज की ऑपरेशन लगा के भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, देखिए यहां ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है। अगर C1 में ऑपरेशन लगा दें कि C1 प्लस C2, तो क्या बनेगा, देखिए क्या चेंज आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये इसमें ऐड होगा तो क्या बनेगा A प्लस B प्लस C। बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए ये C प्लस A इसमें ऐड हो जाएगा तो ये भी A प्लस B प्लस C, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये भी A प्लस B प्लस C, ठीक है। सेकेंड और थर्ड कॉलम सेम रखते हैं, B प्लस C, C प्लस A और ए प्लस बी, और थर्ड कॉलम तो वन 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 होता ही है। अब ध्यान से देखें, जो ये फर्स्ट कॉलम था इसमें से हम ये ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा वन वन वन, यहां से सेकंड और थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी और वन वन वन। अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका देखिए ये कॉलम सी वन और ये कॉलम सी थ्री दोनों सेम हो गए, तो हमें पता है, लिख देंगे यहां पर रीजन, आप बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3। जब भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं, कोई दो रो सेम हो जाती हैं, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट्स थे हमारे ए बी एंड सी दे आर कोलिनियर, क्योंकि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो प्रूव कर दिया। देखा क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपने ये थी एक्सरसाइज 4.3 के पहला और दूसरा क्वेश्चंस, जिनमें हमने आपको सिखाया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट की हेल्प से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव कर सकते हैं। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है और लाइक जरूर करना है। अगर वैदिक गुरुज का चैनल आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 4.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन और अगर पिछला कोई मिस हो गया है वो वाला वीडियो भी आपको ताकि एकदम से मिल जाए, आपको कहीं ढूंढना ना पड़े और किसी का वेट ना करना पड़े। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।